जी हाँ दोस्तों, सुनील दत्त को लेकर कर्ज में डूबा प्रोड्यूसर जितेंद्र देवानंद ने भी छोड़ा साथ, अमिताभ के एक रोल ने कर दिया मालामाल। साल 1978 में आई उस कल्ट क्लासिक फिल्म जिसे जितेंद्र से लेकर देवानंद जैसे स्टार्स ने भी रिजेक्ट कर दिया था, कर्ज में डूबे डायरेक्टर को उस वक्त अमिताभ बच्चन का साथ मिला। बिग बी के करियर को चमकाने वाली वह फिल्म जिसे डायरेक्टर ने अपने सिर से कर्ज उतारने के लिए बनाया, वह फिल्म डॉन है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन साल 1978 में आई फिल्म डॉन ने उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म को मेकर्स ने अपने सिर से कर्ज उतारने के लिए बनाया था। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं जो लोग आज भी पसंद करते हैं। सन 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन भी उनकी टॉप फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को नरिमन ईरानी ने प्रोड्यूस किया था जो कर्ज में बुरी तरह डूबे थे। इस चलचित्र की कहानी और गाने ही नहीं, फिल्म के बोल भी काफी पसंद किए गए थे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, यह बोल आज भी लोगों की जुबा पर चढ़ा रहता है। 1978 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जीना तमान, प्राण और सत्येंद्र कपूर जैसे कलाकारों ने अपने एक्टिंग टैलेंट से धमाल मचा दिया था। अमिताभ से पहले इस फिल्म को बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। इस फिल्म को स्टोरी राइटर्स ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इस फिल्म को सलीम जावेद ने लिखा था। इस फिल्म के लिए पहले जितेंद्र देवानंद जैसे कलाकारों को अप्रोच किया गया था, लेकिन कोई इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं था। बाद में अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में अपने किरदार से इतिहास रच दिया था। साल 1978 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अमिताभ बच्चन के करियर के लिए भी यह फिल्म संजीवनी बूटी साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इस फिल्म के बाद कई हिट फिल्मों में काम किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर नरिमन ईरानी ने इससे पहले सुनील दत्त को लेकर एक फिल्म बनाई थी। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म को बनाकर उन्हें 12 लाख का नुकसान हुआ था। वह बुरी तरह कर्ज में डूब गए थे। इस कर्ज से उबरने के लिए ही उन्होंने फिल्म डॉन बनाई थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।